अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया का गुरूर खाक में मिलने के बाद शोएब अख्तर मैदान में आ गए। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि मैच से पहले हरभजन सिंह ने बहुत बड़े बड़े जुमले कह डाले थे। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान टीम का कोई चांस ही नहीं है। मैच जीतने के बाद दोस्तों शोएब अख्तर भी फिर मैदान में आ गए और उन्होंने कहा है कि हरभजन सिंह हिम्मत है तो आओ मिलो मुझसे, लेकिन हरभजन सिंह अभी जवाब देने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों वीडियो के आखिर पर मैं आपसे दो सवाल करूंगा, आपने प्लीज उनके जवाब जरूर देने हैं। लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद वान की क्लास के सामने इंडिया जैसे बेबस हुआ, ऐसे ही शोएब अख्तर के सामने हरभजन सिंह भी अभी बेबस नजर आ रहे हैं। शोएब अख्तर ने याद दहानी करवा दी है कि अभी एक किला फतह हुआ है, दूसरा किला हमने गोरों का फतह करना है। इंशाल्लाह गोरों को शिकस्त देनी है, क्योंकि ये जिस तरह हमसे भागे हैं, हम अब ट्वीट करके इन्हें जनरली बताएंगे कि ये किस टीम से भागे हैं। तो दोस्तों शोएब अख्तर ने हरभजन सिंह की जितनी धुलाई कर दी है, कभी बचपन में भी उनकी इतनी बेइज्जती नहीं हुई होगी। तो दोस्तों सवाल आते हैं मेरे दो, प्लीज जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्या पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड को हरा सकती है? और हरभजन सिंह के बारे में एक जुमला लिखिए, जिस तरह की उसने बातें की थी। दोस्तों आप भी अपना हिस्सा जरूर डालें और ट्रोल करें जितना कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफ।